हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनुष्का फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी सब के सब अच्छे हैं। यहाँ पे है मिशिका, यहाँ पे है उनके पापा, ये है मेरे मंच, ये है उनकी मामा। तो दोनों बच्चों की मामा और दोनों बच्चे ही हमारे पास है। दोनों बच्चों की मामा नहीं, सॉरी, मामा पापा, ठीक है। और अभी रात के बज रहे हैं, आपको टाइम दिखा देते हैं हम। शायद आप लॉक करो, अब देखो ये टाइम हो रहा है, रात की बज रहे हैं 12:30। और मैं रेडी होके बैठी हूँ क्योंकि मुझे रील्स शूट करनी थी। एंड ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ, जब मैं रील्स नहीं बनाती हूँ तब मैं उन्हें सेव कर लेती हूँ गाने को, लेकिन जब वो आते हैं, मतलब उनपे वीडियो क्रिएट करने का मन होता है ना, तब मन नहीं होता कि इस पे कुछ क्रिएट किया जाए। फिर उसके लिए हम सर्च करते हैं गाने, बहुत सारे गाने ढूंढने पड़ते हैं किस तरीके के बनाए। एंड ऑल्सो ये भी होता है कि आपका किस तरीके का कॉन्टेंट लोगों को पसंद है। तो ज्यादातर हम लोगों का कॉन्टेंट लोगों को कॉमेडी वाला पसंद आता है। सो मैं तो कॉमेडी वाला ही कॉन्टेंट ज्यादातर शूट करती हूँ, और अभी बस वही थोड़ा सा शूट किया है। और ये जब वीडियो आएगी ना, उसी टाइम पे वो रील्स वगैरह जो भी मैंने शूट की है वो मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब पे भी। लेकिन अगर आप यूट्यूब के पहले देखना चाहते हो, जैसे कि कई लोगों को होता है कि यूट्यूब के पहले हमें आपकी रील्स देखनी है, तो आप हमारी इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमें वॉच कर सकते हैं, ऑल्सो फेस पे भी वॉच कर सकते हैं। सो इंस्टाग्राम की आईडी आपको बताएं? निहा सिंह वन सिक्स नो, बोलो बोलो। इसको कैसा है ना नहीं, सिंगल 1665 देखो मैं आपको बताती हूँ, मेरी आईडी का नेम है, अगर आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे जाएंगे तो मेघा सिंह 6165 करके मेरी आईडी का जो नाम है। और अगर आप इनकी आईडी पे भी जाएंगे तो सेम रील्स आपको मिलेंगी, बिकॉज हम कोलैबोरेट कर लेते हैं। सो इनकी आईडी पे भी सेम मिल जाएंगी, मैं यहाँ पे लगा दूंगी दोनों में, ठीक है। और बाबू तो खुद के लिए कुछ क्रिएट करते नहीं। आप कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि इतनी रात में वीडियो बनाने का क्या मतलब बनता है, कि मतलब पूरा दिन निकल जाता है तब आपको वीडियो बनाने का। देखो क्या होता है ना कि हम सब कहीं ना कहीं अपने अपने कामों में रहते हैं। लाइक मैं हाउस वाइफ, ठीक है। एक हाउस वाइफ की ना लाइफ ऐसी होती है कि उसको नहीं पता है कि उसकी मतलब आने वाला जो समय है, लाइक 1 घंटे बाद कोई आ जाएगा घर में, या अचानक से बच्चों का कोई काम निकल आएगा, या फिर रेस्टिंग टाइम भी होता है डे का। खाना बनाया, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर खाना। अब मैं उस रेस्टिंग टाइम में रेडी हूँ, वीडियो बनाऊ। अभी क्या है ना कि मैं भी रेडी हुई हूँ, ठीक है। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, साड़ी निकाल के रख देनी है और मेकअप जो भी मैंने थोड़ा बहुत किया है, वैसे तो आप देख लो कि मैंने कुछ भी ऐसा किया नहीं है। काजल को ब्लेंड कर लिया, ब्लश कर, आप तो करते ही नहीं हो मेकअप, लिपस्टिक लगा लिया, ठीक है। तो मैं मेकअप ऐसे करती नहीं हूँ, तो बस कुछ नहीं करना, एक वाइप से फेस को क्लीन कर लूंगी, साड़ी उतार दूंगी और जो नाइट वेयर है वो डाल लूंगी, और बस वो है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं नींद प्रॉपर नहीं ले पाती हूँ जब मैं वीडियो शूट करती हूँ, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। बाबू, कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं आपको भी बिठा के बात कर रही हूँ कि आपके हस्बैंड, या फिर अभी आप यूट्यूब पे इतना फोकस्ड नहीं हो, तो फिर कैसे क्या काम चल रहा है आपका, या पैसे कैसे आते हैं? और कुछ लोगों को ये भी है कि इंदौर से यहाँ आने के बाद आपने क्या शुरू किया है, या आप क्या कर आप एक रहे हैं? बिजनेस या कुछ हाँ, या फिर मतलब एवरीडे के जो खर्चे होते हैं, नॉर्मली हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको हम कैसे मेंटेन करके रख रहे हैं, वो सारी चीजें आप बतानी पड़ेगी, आज बता दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जब हम वहां से यहाँ शिफ्ट हुए तो वहां पे हमारा कारोबार चल रहा था और प्रॉपर्टी डीलिंग चल रही थी, तो मतलब बहुत लोगों को पता ही है। तो वहां से जब दमोह शिफ्ट हुई इंदौर से, तो फिर हमारा कार बाजार ऑनलाइन चलने लगा। मतलब पहले भी ऑनलाइन चलता था, जैसे ग्रुप था, हम लोग ग्रुप में करते थे कार बाजार का, और हमारा दोस्त का और हमारा पार्टनरशिप में था, ठीक है। तो अभी भी पार्टनरशिप में चल रहा है, पर यहाँ से हम कस्टमर ऑनलाइन दिखते हैं, वो कस्टमर को ऑफलाइन दिखता है, ठीक है ना। ये चल रहा था, प्रॉपर डीलिंग भी ऑनलाइन चलती है, बीच बीच में इंदौर जाते रहते हैं, ठीक है ना। कोई कस्टमर अगर जिसको कोई पसंद आया, फोटो इमेज भेज देते हैं, वीडियो भेज देते हैं, पसंद आता तो जाके अपने डील डन करके आ जाते, ये चलता है हमारा। और जैसे कि अगर मैं आपको साधारण सी भाषा में बोलूंगी, कहते हैं ना कि मेरे व्यूवर्स, मुझे पता है किस लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा, तो मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात यह है कि इंदौर से यहाँ आए
तुम्हारे लिए ये जो वहां से यहाँ आने का जो डिसीजन था वो भी छोटा डिसीजन नहीं था, वो बहुत बड़ा डिसीजन था। जब हम यहाँ आए तो हमारे लिए वैसे ही अपना कारोबार दोबारा से उस तरीके से स्टार्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट था, और हमने वो रिस्क भी लिया कि ठीक है डिफिकल्ट है, जमाने में वहां पे भी समय लगा था, जमाने में इनकम में थोड़ी हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि वहां पे हेर फेर क्योंकि है, आदमी जब सामने रहता है उसकी बात अलग होती है और ऑनलाइन की बात अलग होती हेर फेर है। ऐसा नहीं है कि हमारा काम बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। देखो छोटे उतने शहर और बड़े कस्टमर शहर भी नहीं का मिल फर्क पाते होता है। हैं, और यहाँ पे इतने क्या लोगों को लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं गाड़ी कि हर पर डे आदमी को पर डे 2 घंटा मिले या कस्टमर मिलता रहे गाड़ी के अकॉर्डिंग। और जम्मू में इतना वो नहीं है गाड़ी का, किसी ने लीजिए तो 5 साल 10 साल चली रही है गाड़ी, इतना नहीं है क्रेज। और इंदौर में ऐसा था कि पर डे ना 1-2 कस्टमर मिलते ही थे, 2-3 कस्टमर में 4 कस्टमर 3 कस्टमर आते थे, और 1 कस्टमर 1 दिन में 2 दिन में हो जाता था। मतलब जो चीज आज की डेट में हमें 6 दिन लगते हैं, मान लो किसी कस्टमर को कन्वेंस करने में बाबू को 6 दिन लग जाते, वहां पे इतना लोड नहीं रहता था। लेकिन हाँ ये जरूर है कि देखो वो एक बाहर की सिटी थी, ये हम अपने घर में हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि प्रॉपर टाइम जो होता है अपनी फैमिली को देना, अपने बच्चों को देना, वो सब हो पा रहा है। ठीक है, अभी प्राइवेट जॉब में होता क्या है, सुबह से शाम तक आप नौकरी पे जा रहे हो, फिर उसके बाद हारे थके आ रहे हो, क्या आप बच्चों को टाइम दोगे, क्या आप अपनी बीवी को टाइम दोगे, क्या आप अपनी फैमिली को टाइम दोगे, तो वो क्वालिटी टाइम हमारा खत्म है। तो और कमाते रह जाते कमाते, प्राइवेट का यही कमाते रहते। दमो में प्राइवेट का भी अगर आप सोच रहे हो ना, तो आप ये समझ के चलो 10 से 12 हज़ार से ऊपर आपको कोई सैलरी नहीं देने वाला। तो इससे अच्छा है कि फिर आप जो भी छोटा मोटा बिजनेस बारह भी कर हजार रहे हो में ना तो अपना, हाँ यहाँ पे 10-12 हज़ार बहुत हो जाते हैं। तो अगर आप फिर इससे अच्छा तो ये भी ना कि आप छोटा मोटा अपना बिजनेस जो चला रहे हो वो चलाओ, उससे आराम से आप 30 से 40 हज़ार रुपए कमा लेते हो आराम से। अब अगर मैं मेरी यूट्यूब की बात करूँ तो ऐसे चभी यूट्यूब से कोई अर्निंग नहीं हो रही है मेरी, जो ऑनेस्ट है वो ऑनेस्ट है। हाँ थोड़ा बहुत कोलेबरेशन का होता है उससे आ जाता है, लेकिन हाँ ये है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ पूरी तरह से। जस्ट बिकॉज कि ऐसा नहीं है कि मेरे किसी खर्चे में कमी हो रही है, या मैं कोई चीजें नहीं ले पा रही हूँ, या मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, चाहे वो मेरे बच्चों का हो, चाहे वो मेरा खुद का हो, चाहे वो मेरी इनका हो, मतलब हम सबका मिला के हम आराम से अपना निकाल ले रहे हैं। तो इसलिए हम खुश हैं। और ये सबसे ज्यादा एक होता है ना कि अगर आप 1 लाख भी कमा रहे हो तब भी आप संतुष्ट हो, अगर आप 10 हज़ार भी कमा रहे हो तब भी आप संतुष्ट हो। तो आपकी संतुष्टि सबसे ज्यादा मैटर करती है, ये मैटर नहीं करता आप कितना पैसा कमा रहे हो, पैसा तो आप तब भी कमा रहे थे, पैसा आज भी कमा रहे हो, मैटर करता है कि आप उसमें खुश हो या नहीं हो। मैंने एक ही चीज सीखी है और मुझे एक ही चीज बस आती है, मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक ही चीज कहना है, वहां पे भी मेरा यही कहना होता है, जो दिया है जितना दिया है उसमें पूर्ति कर देना, मुझे इससे ज्यादा खुश नहीं चाहिए, और इतना ही देना जिसमें मेरी पूर्ति हो सके, ना मुझे घमंड चाहिए ना मुझे एक्स्ट्रा मनी चाहिए। भाई मेरे हिस्से का उसकी झोली में भी डाल देना, जिसको उस चीज की नहीं, उस मतलब उस मनी हो या किसी भी चीजों की उसको जरूरत हो, मेरा यही सिद्धांत। और मैं जस्ट ये वीडियो में इसलिए इस चीज को क्लियर किया कि काफी टाइम से हमने ये बातें नहीं की, और कुछ न्यू व्यूवर्स होते हैं जो जुड़ते हैं या फिर वो इंदौर के वीडियोस देखते हैं, तो उनको वहां का तो पता था, यहाँ का नहीं पता है, तो मैंने जस्ट क्लियर किया। एंड ऑल्सो मैं आप लोगों को बताऊं कि छोटी छोटी चीजों में हम इन्वेस्ट करके ये भी रखे हैं। ये तो बता ही सकते हैं हम कौन गलत कर रहे हैं, हम किसी जरूरतमंद की अगर जरूरतें पूरी कर रहे हैं, हाँ उसका हम पैसा ले रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको किस्तें भरनी पड़ती हैं, वैसे हम भी थोड़ा बहुत, हम ये नहीं बोल रहे हमने बहुत फैलाया है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वाला सिस्टम है जिसमें, तो हर जगह ऐसे कहती है, हाँ बिना सपोर्ट के किसी के काम नहीं हो पाता है। जब हाँ कहीं ज्यादा अपने को मनी इन्वेस्ट करनी है तो फिर वो कहीं ना कहीं से प्रेफरेंस करने की बात। थोड़ा बहुत वो भी है कि उससे भी हमें थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि मैं पहले भी छतरपुर गई थी, मैंने वहां पे भी ये बात जिक्र किया था, और अभी हम फिलहाल में एक न्यू कार खरीदने वाले थे जो कि हमने अभी पोस्टपोन किया, उसका रीजन भी कोई बड़ा है और आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ छुपाना चाहते हैं, बस बात क्या है सही समय सही टाइमिंग का इंतजार करना चाहिए। हमारी कार का पूरा डन हो चुका था, लेकिन कार वाले की तरफ से कुछ मतलब कुछ ब्लेंडर हुआ था उसकी तरफ से, है ना, तो उसकी मतलब उसने जो चीजें हमें क्लियर नहीं करी थी और बाद में हमें पता चलता, तो फिर हमने कहा नहीं, एक तो हम सेकंड हैंड ले रहे थे, हम कोई न्यू फर्स्ट हैंड कार नहीं ले रहे थे, हम सेकंड हैंड ले रहे थे बिकॉज हमें उसे लगाना था कहीं पे, और उससे हमें अच्छी खासी अर्निंग हो जाती, मतलब उससे हमें इतनी अर्निंग हो जाती कि उसकी इंस्टॉलमेंट चली जाती। लेकिन बाद में मुझे पता चलता कि उसमें थोड़ा सा है, तो मैंने इनको बोला भाई रहने दो, क्योंकि ये हम था कि मतलब अपने को खुद थोड़ा परेशानी वाला काम था,
फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, मतलब ये कि उसी में लगे रहो तो मजा नहीं आता, मतलब अपन डाइट नहीं कर रहे ना कुछ कर रहे, उसमें थोड़ा देखना पड़ता था। तो उसमें और बच्चे भी हैं और अपन कैसे मैनेज करें, वहां पे भी नहीं गया अपन ने, तो यहाँ पे भी नहीं, और घर का भी देखना, वीडियो का भी देखना, वहां का भी कुछ देखना नहीं हो पाता। उस चक्कर से भी प्लान बोर्ड ने पोस्टपोन कर दिया, कभी देखेंगे। तो भाई मतलब मैं आप लोगों को सिर्फ इस माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि घर में, अगर घर में भी कोई है ना, उसमें यहाँ दिमाग होना चाहिए, पैसा अपने आप आता है। जरूर नहीं है, कोई ठीक पढ़ा है लिखा हो या नहीं हो, ठीक दिमाग है। है तो अब सब। मैं हर उस औरत से, हर उस आदमी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप घर में भी बैठे हो, अगर आपका दिमाग तेज हो, तो आप घर बैठ के भी पैसे कमा सकते हो। और अगर आप बाहर भी जा रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो ना, तब भी आप संतुष्ट नहीं हो, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको संतुष्टि कैसे भी नहीं मिलने वाली। तो ये मेरा एक जस्ट आप उम्मीद लोगों को आने लगी बताने नहीं ना। का दे था, और मुझे ये बात आप लोगों को बतानी थी। बाकी ये वीडियो भी काफी लंबा हो गया है, और मैं इसमें से काफी सारी चीजें एडिट कर दूंगी, क्योंकि कितना ही रखूंगी। सो आई होप कि आप लोगों को ये वाली बात का जवाब मिल गया होगा। हाल ही में किसी ने कमेंट किया था कि आपका हस्बैंड क्या मतलब ऐसे करते हैं, तो उनको रिप्लाई में भी किसी ने कमेंट किया कि वो बेरोजगार नहीं है, करते हैं काम, और उन्होंने बिल्कुल बेटर रिप्लाई दिया था। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, और फिर उनका कोई रिप्लाई नहीं आया उस चीज पे भी, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इससे समझ में आता है कि सामने वाला आपको टॉन्ट मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि भाई अगर आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो, आप स्टेबल हो अपनी लाइफ में, अच्छा अच्छे से अच्छा खा रहे हो, अच्छे से अच्छा पहन रहे हो, अच्छे से अच्छा रह रहे हो, तो फिर कैसे कर पा रहे हो। अब कुछ लोगों को ये भी लगता है, क्योंकि जब से हम यहाँ आए तब से थोड़ा सा ये डाउट हो गया है कि हमारे पापा जी, जो हमारे ससुर जी हैं, वो सारी चीजों को पूर्ति करते हैं। तो एक क्लियर कट वर्ड में बोलना चाहूंगी, जी हाँ वो पूर्ति करते हैं, लेकिन उतनी जितनी वो कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, क्योंकि जितनी उनकी पेंशन है, उतनी तो हमारी सिर्फ गाड़ी की किस्त जाती है। तो हम उनसे क्या मतलब, और हम उनसे क्या ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग अगर देखा हो आपने, अभी हमें इस मोबाइल को लिए भी, जो हम iPhone 15 Pro Max चला रहे हैं, उसको मोबाइल को लिए ही हमें कोई बहुत ज्यादा महीने तक नहीं हुए हैं, तो इतने से आप अंदाजा। और तो ये सारी चीजें हम कैसे पूर्ति कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। चलो बाय, बहुत सारी बातें हो गई। और आप लोग इंस्टाग्राम पे जाओगे, रील देखिए, लाइक करिए, और यूट्यूब पे भी हाँ, करिए, यूट्यूब पर आप जब वो लोग रील्स आ जाए जिन्हें ना, से इंस्टाग्राम आईडी लिखी है, इस पे आप जाइए चाहिए। देखकर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।